तो हम लोग अब बात कर रहे हैं आपके पैसिव एलिमेंट में इंडक्टर की। रजिस्टर का हम लोग बात कर चुके हैं। तो देखिए, जितने भी पैसिव एलिमेंट होते हैं बेसिकली उनका कुछ ना कुछ हमेशा जो होता है, मतलब कि अपोजिशन का जो है नेचर रहता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है आपका, मैं बताऊंगा तीनों का ही क्या रहता है, तो लास्ट में मैं आपको एक कंपेरिजन करवा दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो इंडक्टर होता है ये क्या होता है, एक जो है आपका पैसिव एलिमेंट होता है जो कि इनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंडक्टर में जो इनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है। तो इंडक्टर में जो इनर्जी स्टोर होती है वो बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में। और वो इनर्जी कितनी होती है, वो आपकी होती है 1/2 LI² होता है। और ये जो होता है इसका जो सिंबल होता है वो इंडक्टर का कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली इंडक्टर कुछ नहीं होता है, जो आपका क्वाइल होता है ना, या इंडक्टर जो कंडक्टर होता है उसी को जब आप जो है इस तरह से मोल्ड कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, आपका इंडक्टर बन जाता है। और इसकी जो है अपनी अलग पहचान हो जाती है। तो आपका जो सिंपल इसका डिफिनेशन है वो यही होता है कि एक पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि स्टोर द एनर्जी इन स्टोर एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। तो बेसिकली ये क्या करता है, इसका बेसिक काम क्या करता है, ये जो होता है आपके एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 LI² होती है। और देखिए इसका जैसे कि वहां पे हम लोग रजिस्टर का देखे थे यूनिट क्या होता था, ओम होता था, इसका यूनिट क्या होता है आपका हेनरी होता है जो कि एच से शो किया जाता है। एक इसका और भी होता है वो होता है वोल्ट सेकेंड होता है। और देखिए यहाँ पे इसकी जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू कितनी होती है, μ² a/L होती है। तो देखिए यहाँ म्यू क्या होता है आपका, μ = μ0 × μr होता है। म्यू क्या है यहाँ पे, तो ये आपकी परमेबिलिटी है। और ये देखिए म्यू जो होता है μ0 × μr होता है। म्यू नॉट यहाँ पे क्या है आपकी, ये परमेबिलिटी फॉर आपकी एयर है के लिए है ये। और ये होता है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी, ये क्या है रिलेटिव परमेबिलिटी, ये एयर के लिए फिक्स होती है इसकी वैल्यू 1। और ये जो होता है आपकी परमेबिलिटी जो होती है एयर के लिए वो कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। इस वाले यूनिट पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूनिट ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि जो आपका परमेबिलिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है, हेनरी पर मीटर होता है। एक चीज और इसमें, रिलेटिव जो होता है आपकी परमेबिलिटी वो जो होता है वो यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे वोल्टेज करंट रिलेशन की, कि इसमें वोल्टेज करंट रिलेशन क्या होता है। तो देखिए वोल्टेज करंट रिलेशन जैसे बात किया जाए तो वोल्टेज जो होता है VL = क्या होता है, LdI/dt होता है। ये I जो होता है जो इंडक्टर के थ्रू ये करंट जो फ्लो होती है, ये ही करंट जो होती है आपकी I, ये करंट, तो ये इसके थ्रू जो है करंट पास होती है वही I होता है। तो V = LdI/dt होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई की वैल्यू दिया रहेगा, कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है दिया रहेगा, एल की वैल्यू दिया रहेगा तो वी की वैल्यू पूछ देगा, या वी की वैल्यू दिया रहेगा तो एल की वैल्यू पूछ देगा। तो इस वाले रिलेशन से जो क्वेश्चन आपके आते हैं। अब इसमें करंट की बात किया जाए तो करंट क्या होगा, तो देखिए करंट का भी यहीं से आप निकाल सकते हैं कि करंट क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से देखा जाए तो I = क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ VL dt, और ये 1/L इसी रिलेशन से निकाल देते हैं, इसको इधर भेज देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका I की हो जाएगा, यानी करंट जो फ्लो होगी आपके इंडक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VL dt, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस आपका इंडक्टर का इंटीग्रेशन करके हम जब 1/L से कर देंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमको, करंट थ्रू द इंडक्टर मिल जाएगा। अब बात करते हैं पावर की। तो देखिए पावर क्या होता है इंडक्टर के थ्रू, तो देखिए बेसिक तो फार्मूला वही रहेगा पावर का जो कि आपके रजिस्टर में होगा, लेकिन अब ये यहाँ पे है कि आई की वैल्यू थोड़ा सा अलग है, तो वो आई की वैल्यू आप वहां पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब आप आगे यदि पढ़ते तो हम आपको बताते हैं कि जब ज्यादा यदि पढ़ना होता तो देखिए रजिस्टेंस, जब ये जो होता है आपका रिएक्टेंस होता है, तो
बेसिकली जो होता है रिएक्टेंस को भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस बिहेवियर करता है उसी तरह से ये रिएक्टेंस भी बिहेव करने लगता है। तो आप जो है इसकी भी जो होगी वैल्यू वो भी क्या होगी, आई स्क्वायर आर होगा, आर के जगह पे यहाँ पे क्या होगा एल होगा, तो ये एल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आई की जो वैल्यू यहाँ पे आई हुई है ये 1/L पूरा ओवर रखना पड़ेगा आपका। इसके बाद इसी तरह इसमें भी जो होगा आपका वी स्क्वायर बाई आर होगा, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर के जगह पे क्या होगा यहाँ पे एल होगा। तो इस तरह से इसमें भी जो आपकी मतलब वैल्यू यहाँ पे आपको बस पुट करना पड़ेगा और सारा जो है आपका सेम होगा, या इसको वी आई भी होगा, यानी कि आपका वोल्टेज थ्रू इंडक्टर है और करंट जो होगा। तो ये आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा। और इसके बाद देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो इसका जो कॉम्बिनेशन दो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए जैसे कि ये इंडक्टर है ये आपस में क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। तो जिस तरह से आपकी जैसे मान लेते हैं L1 L2 L3 है और ये जो है करंट आपका फ्लो हो रहा है I, तो इस केस में L की जो L इक्विवेलेंट होगी वो कितनी होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 होगी। जैसे कि आपका रेजिस्टेंस का होता था R1 R2 R3 होता था, उसी तरह ये भी आपका L1 L2 L3 होगा। यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे कि आप जानते हैं कि वोल्टेज क्या होता है आपका सेम होता है वोल्टेज, और आपका इंडक्टर जो करंट होता है वो क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। यदि वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से खींचकर, तो देखिए ये वोल्टेज भी हो गया। ये जो वोल्टेज सब में सेम होगा हर एक रजिस्टर इंडक्टर में, और करंट जो होगा वो आपका अलग अलग होगा I1 I2 I3। इसकी जो वैल्यू होती है आपकी वो आपकी कितनी होती है, ये आर इक्विवेलेंट जो होता है वो आपका क्या होता है वो आपका 1/L इक्विवेलेंट जो होती है वो L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 होता है। देखिए वहां पे शायद हम आपको रजिस्टर का इक्विवेलेंट नहीं लिखवाया था शायद, तो देखिए रजिस्टर का इक्विवेलेंट हम यहीं पे बता देते हैं। जिस तरह से आप इंडक्टर का देख रहे हैं ना उसी तरह रजिस्टर का भी होता है। वहां पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए इसके लिए हम लिख दे रहे हैं ठीक, तो आप कंफ्यूज ना होइए। तो देखिए वहां पे आर इक्विवेलेंट नहीं लिखे थे, तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ये जब पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं रजिस्टर तब ये होता है, और ये जो होता है आपका जब इंडक्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। तो फार्मूला बिल्कुल सेम होता है दोनों के लिए। कैपेसिटर की जो बात होती है तो हम वहां पे बताएंगे क्या अंतर आता है आपका रजिस्टर और इंडक्टर के कंपेयर में। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, अब बात करने वाले हैं कि प्रॉपर्टी की, कि जो आपकी प्रॉपर्टी होती है आपकी जो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है वो क्या क्या होती है। तो जैसे कि ये जो होता है सडन चेंज इन करंट अलाउ नहीं करता है कभी। यदि मान लेते हैं कि करंट जो है इसमें फ्लो कर रही है, यदि मान लेते हैं कि 10 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, आप तुरंत स्विच ऑन करके ऑफ करें या ऑफ करके ऑन करें तो ये वैल्यू आपका बरकरार रहेगा 10 एम्पियर तक। उसमें जो है मतलब कि आप एक्साइटेशन भी कीजिएगा तो उसमें जो है कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ये कभी भी जो है क्या करता है सडन चेंज करेंट को अलाउ नहीं करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि सडन चेंज इन करेंट को अलाउ कौन नहीं करता है, तो वो इंडक्टर नहीं करता है। और इसमें देखिए एवरेज पावर जो होता है वो क्या होती है, जीरो होती है। और प्रैक्टिकल जो इंडक्टर होता है उसका जो सर्किट होता है वो आपके इंडक्टर के साथ एक जो है इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में लगा रहता है। तो ये प्रैक्टिकल है, और आइडियल तो आप देख ही रहे हैं कि आइडियल के साथ कोई रजिस्टर नहीं लगाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल में माना जाता है कुछ ना कुछ लॉस होगा तो वो रजिस्टेंस यहाँ पे लगाया जाता है। अब देखिए दो चीज इसमें होती है, 4 DC और AC। इंडक्टर दोनों पे काम करता है, DC पे भी काम करता है और AC पे भी काम करता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी XL होता है ये इंडक्टेंस होता है वो क्या होता है आपका jωL होता है, वो क्या होता है jωL होता है। यदि हम DC की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है DC के लिए, ओमेगा की वैल्यू 0 होती है, और 0 होने के बाद ये 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। यानी कि DC के लिए कैसा काम करता है ये, तो ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है ठीक।
अभी बात करें हम एसी के लिए, तो एसी के लिए देखिए क्या होता है, जे ओमेगा एल, और एसी में तो ये वैल्यू मतलब वो होती नहीं है, तो ये क्या होता है कि माना जाता है इनफाइनाइट, तो ये क्या होता है ओपन सर्किट, यानी कि ये इनफाइनाइट हो जाता है और ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो देखिए डीसी और आपका एसी के लिए जो बिहेवियर होता है क्या होता है, दोनों जो है आपका अलग अलग होता है। डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है ये, और एसी के लिए क्या होता है आपका ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये देखिए इंडक्टर से जितना भी रिलेटेड आप क्वेश्चन थे यहाँ से आपके बन जाएंगे, और हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा रजिस्टर और इंडक्टर। अब जो हम आगे बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर, जो कि आपका लास्ट होगा ये पैसिव एलिमेंट का।